इस वीडियो में कूलर के दो स्विच के साथ रेगुलेटर के कनेक्शंस देखेंगे, काफ़ी सिंपल, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो मैं सबसे पहले इसको एक बार चलाकर दिखा देता हूँ, उसके बाद किस तरीके से इसके वायरिंग होता है उसको देखेंगे। तो ये है इसके लीड वायर जो कि बिजली की बोर्ड पे लगाते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर इसके प्लग यानी कि एक्सटेंशन बोर्ड पर लगा दिया, देख सकते हैं फ्रेंड। अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये पानी मोटर देख सकते हैं, आवाज़ आ रहा है यानी कि चल रहा है। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब इसको ऑन करता हूँ तो ये स्विच से ऑन करने के बाद अगर रेगुलेटर से ऑफ है तो उसे रेगुलेटर से भी ऑन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ। ऑन करते ही यहाँ पर आप इसकी फ़ैन की स्पीड देख सकते हैं। मैं इसकी जैसे ही पावर कम करता हूँ तो ये कम हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये रेगुलेटर में पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके वायरिंग दिखाता हूँ, काफ़ी सिंपल, बहुत ही आसान होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी प्लग वायर से, बिजली की बोर्ड से इसकी प्लग अलग निकाल देता हूं और इसकी काफ़ी सिंपल तरीके से वायरिंग देखेंगे। इसके वायरिंग को बहुत सिंपल और आसान तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले आप इसके स्विच बोर्ड को देख लीजिए। स्विच बोर्ड में ये जो नाम लिखे होते हैं कंपनीज वगैरह के, वो ऊपर वाले साइड होता है, उसके नीचे वाले साइड से ये स्विच ऑन होते हैं। जस्ट इसके पीछे साइड देखते हैं तो यहाँ पर भी वही मार्क होते हैं। तो ये ऊपर वाले जो पॉइंट है उसमें फैन मोटर्स और पानी मोटर्स वगैरह के ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्शन देते हैं। इसके जो नीचे वाला पॉइंट देख पा रहे हैं, जिसको हमने तार के टुकड़े को छील कर दोनों पॉइंट को डायरेक्ट यहाँ से जोड़ दिया है। अब मैं इसके वायरिंग करना काफ़ी सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये जो बिजली की बोर्ड में लगाते हैं लीड वायर, वहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग करना। तो इसकी जो एक वायर देख पा रहे हैं, इसमें दो वायर हैं, इसकी किसी भी एक वायर को उठा लीजिए, एक वायर को ऐसे फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है। के बाद ये जो पानी मोटर से आप देख पा रहे हैं, इसमें भी दो वायर है, तो इसमें भी कोई भी एक वायर उठा लीजिए। तो मैं इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ। ये देखिए, मैंने पानी मोटर के एक वायर छोड़ दिया, मैंने लीड वायर के एक वायर छोड़ दिया। उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंड, ये जो है फैन मोटर्स, फैन मोटर में भी दो वायर होते हैं, इनके भी किसी भी एक वायर को छोड़कर एक वायर उठा लीजिए, जिससे यहाँ पर टोटल तीन वायर आपस में यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये तीनों वायर को हम यहाँ पर अच्छे से ज्वाइन करने के बाद इसको टैपिंग कर लेते हैं। देख पा रहे हैं, हमने इसको अच्छे से टैपिंग कर दिया है। अब इसके वायरिंग कनेक्शन दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। ये जो फैन मोटर्स के वायर है ना, इसके एक वायर जो बचे हैं उसको, ये जो रेगुलेटर्स में दो वायर होते हैं, उसी रेगुलेटर के एक वायर के साथ फैन मोटर वाले एक वायर को ऐसे जोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको जोड़ने के बाद भी यहाँ से टैपिंग कर लेता हूँ। ये देखिए, तो मैंने फैन मोटर के एक वायर बचे थे उसको रेगुलेटर के एक वायर के साथ ज्वाइन कर दिया है। अब मेरे पास टोटल वायर बचते हैं, एक पानी मोटर्स के वायर हैं और एक ये लीड वाले वायर हैं जो कि मेन वायर का, और ये रेगुलेटर्स के। तो ये जो लीड वाले वायर होते हैं उसके वायरिंग को हम इसके यहाँ पर लगाते हैं। देखिए, जो स्विचेस है ना नीचे, जो हमने दोनों स्विच को एक साथ जोड़ के रखा है उसी में इसको जोड़ देते हैं केबल वाले को। तो इस तरीके से देखिए, हमने केबल के जो मेन वायर हैं उसको यहाँ पर डायरेक्ट वाले पॉइंट पर जोड़ दिया है। अब इसके दो वायर जो बचते हैं, ये एक पानी मोटर्स के वायर बचे हैं और ये रेगुलेटर्स के वायर बचे हैं, उसको इसके किसी को भी किसी भी पॉइंट पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से रेगुलेटर्स के एक वायर उठा लेता हूँ और ये जो जो पॉइंट वाले वायर हैं यानी कि इसके साथ इसको लगा देता हूँ। ये देखिए, तो रेगुलेटर्स के वायर मैंने यहाँ पर अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है कनेक्शन। अब ये जो पानी मोटर के वायर एक वायर बचे हैं उसको मैं ये वाले पॉइंट बचे हैं उसके साथ लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसके कनेक्शंस को देख पा रहे हैं, काफ़ी सिंपल है, बहुत ही आसान है। एक बार फिर से समझ लेते हैं,
ये जो नीचे मैंने जोड़ा है ये मेन लीड के वायर्स हैं, और ये जो यहाँ पर रेड कलर के वायर मैंने जोड़े पानी मोटर्स के, ये वाले जो वायर मैंने जोड़े हैं इस रेगुलेटर के वायर है। अब मैं इसको वापस फिर से जमा लेता हूँ फ्रेंड, इसके स्विच ऑफ कर लेता हूँ दोनों, और इस तरीके से रेगुलेटर और इसको मैं सेट कर लेता हूँ। अब फिर से इसको मैं बिजली की बोर्ड पे लगाकर इन चीज़ों को चेक करके चालू करके देखते हैं कि वायरिंग हमारा सही हुआ है या नहीं हुआ। तो ये इसकी प्लग वायर, जिसको मैं यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड पे पावर दे दिया। अब मैं सबसे पहले इसको ऑन करके देखता हूँ, ये देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, पानी मोटर बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, आवाज़ भी आ रहा है। अब यहाँ पर मैं पानी मोटर ऑफ कर देता हूँ। ये जो है फैन मोटर के स्विचेस हैं, तो यहाँ पर फैन मोटर भी स्टार्ट हो चुका है। ये जो रेगुलेटर है उससे हम इसको, इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये रेगुलेटर से भी फैन मोटर जो है ऑफ हो जाता है। इस तरीके से जो फैन मोटर होते हैं स्विच के साथ और रेगुलेटर के साथ, दोनों के साथ बंद हो जाते हैं। तो ये वायरिंग काफ़ी सिंपल, बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।